हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली वर्सेस मुंबई इंडियंस के दोस्तों रात को हुए मुकाबले के बारे में। दोस्तों किस तरीके से यह मुकाबला चला दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों टॉस हुआ, टॉस जो है तो दोस्तों हरमनप्रीत कौर मुंबई की कैप्टन ने जीता और दोस्तों उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया। दिल्ली की बैटिंग पहली थी दोस्तों, दिल्ली ने बैटिंग शुरू की और दिल्ली ने जो है दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी शुरुआत करी। शुरुआत में दोस्तों मैगलिनिंग और शफाली वर्मा ने जो है दोस्तों तो काफ़ी शानदार पारियाँ खेली दोनों ने भी, और एक ओपनिंग अच्छी खासी साझेदारी दोस्तों खड़ी की। खास करके दोस्तों शफाली वर्मा ने जो है दोस्तों अपना हर बार की तरह दोस्तों उन्होंने आक्रामक अंदाज अपनाते हुए 12 गेंदों पर 28 रनों के दोस्तों एक धमाकेदार और शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने कि 3 चौके और 2 बड़े छक्के लगाए। तीसरी गेंद पर लगातार छक्का लगाने के चक्कर में जो है दोस्तों तो शफाली वर्मा आउट हो गई। उसके बाद जो है दोस्तों एलिसी कैप्सी ने भी 20 रन बनाकर मैगलिनिंग का साथ देने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों वह भी आउट हो गई। उसके बाद दोस्तों मैगलिनिंग ने जो है दोस्तों वो 38 गेंदों पर 53 रनों की एक शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने दोस्तों 6 चौके और 2 छक्के लगाए। खास करके दोस्तों उनके साथ आई हुई जमीमा रॉड्रिग्ज़ ने तो दोस्तों ऐसी पारी की, तूफानी पारी खेली कि जो पारी के दोस्तों आज तक कोई WPL में खेला नहीं होगा। दोस्तों उन्होंने दोस्तों 69 रन जरूर बनाए, लेकिन जिस स्ट्राइक रेट के साथ बनाए दोस्तों वह काफ़ी देखने लायक और लाजवाब स्ट्राइक रेट था दोस्तों उनका आज। दोस्तों उन्होंने मात्र 33 गेंदों पर 69 रन बना दिए दोस्तों, जिसमें कि उन्होंने 8 चौके और 3 बड़े 6 लगाए। जिस तरीके से दोस्तों ये डिविलियर्स की बल्लेबाजी रहती है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार की बल्लेबाजी रही दोस्तों, जिस तरीके शुरू में सूर्य कुमार यादव हो या फिर ये डिविलियर्स हो सफल करके ऑफ स्टंप के बाहर जाकर जिस तरीके से सिक्सर लगाते हैं दोस्तों, उसी तरीके के कुछ छक्के जो है दोस्तों वह जमीमा रॉड्रिग्ज़ ने लगाए। ऐसा लग रहा था दोस्तों कि मुंबई इंडियंस ने उनको आउट करने की कोई तैयारी ही नहीं की थी, क्योंकि दोस्तों मैगलिनिंग और शफाली वर्मा को और एलिसी कैप्सी को दोस्तों मुंबई इंडियंस ने जरूर आउट किया, लेकिन दोस्तों जमीमा रॉड्रिग्ज़ जो है दोस्तों उनको आउट होने का नाम नहीं लिया। और दोस्तों मुंबई के पूरे गेंदबाजी क्रम को दोस्तों उन्होंने धो दिया और सभी गेंदबाज जो है दोस्तों तो काफ़ी महंगे साबित हुए। उसके बाद दोस्तों जब मुंबई की पारी आई तो दोस्तों ऐसा लग रहा था कि इतने 192 के टारगेट को चेस करते हुए दोस्तों मुंबई इंडियंस की पारी दोस्तों पूरी तरीके से लड़खड़ा गई, और दोस्तों बस कुछ छोटी छोटी दोस्तों साझेदारियाँ होती रही। शुरुआत में दोस्तों मैथ्यूज ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनसे भी नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों अमेलिया कर ने बीच में 27 गेंदों पर 42 रनों की पारी खेली, उन्होंने 7 चौके लगाए, लेकिन दोस्तों उनका भी विकेट जेस जोनसन ने लिया। दोस्तों जेस जोनसन ने सबसे ज़्यादा दोस्तों दिल्ली की ओर से 3 विकेट लिए, और अंत में दोस्तों यह मुकाबला मुंबई इंडियंस जो है दोस्तों वह अब 30 रनों से हार गई, और दोस्तों दिल्ली अब पॉइंट टेबल में अब टॉप पर पहुँच चुके हैं। दोस्तों आप लोगों को इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।